नमस्कार दोस्तों, मेरा और शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है कर्क लगन के अंदर बुध ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं। तो लगन के अंदर चार लिखा है, पहले भाव के अंदर चार लिखा है, तो आप समझ लीजिए कर्क लगन के जातकों की कुंडली हुई। अब बुध देव की दो राशि होती है, एक मिथुन और एक कन्या। तो मिथुन राशि 12वां भाव और कन्या राशि 3रा भाव, दोनों के दोनों भाव जो है अच्छे नहीं होते। ये परिश्रम का भाव होता है और ये जो है अधिक खर्चे का भाव माना गया है। और कर्क लगन के जो मालिक होते हैं चंद्रमा और बुध ग्रह के अंदर आपस में शत्रुता होती है। तो इसी प्रकार कर्क लगन के अंदर बुध ग्रह एक मारक होते हैं, वो ज्यादातर नकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। बट कहीं ना कहीं अगर उनका थोड़ा बहुत प्लेसमेंट अच्छा है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ी बेसिक चीजें हैं उसकी मैं आपको बता देता हूं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए, जो लोग कर्क लगन के हों या बुध का फल देखना चाहते हो कर्क लगन के अंदर या ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। पहले आप समझ लीजिए बुध ग्रह किस किस चीज के कारक होते हैं। तो बुध ग्रह बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, मित्रों के कारक होते हैं, गणित के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। तो अगर बुध ग्रह अच्छे हैं तो जिस जिस चीज के बुध कारक होते हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नहीं तो अगर बुध अगर पीड़ित है तो थोड़े बहुत आपको नकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया बुध ग्रह को कौन कौन से भाव मिले हैं, तो 12वां भाव मिला है मिथुन क्योंकि मिथुन राशि है और कन्या राशि 3रे भाव के अंदर है, तो 12वां और 3रा भाव उनको मिला है। तो इन भाव से को लेके भी वो रिजल्ट देंगे और जिस जिसके कारक हैं इनसे रिलेटेड भी वो आपको फल देंगे। अब हमें देखना है कि तीन चीजों के बारे में हमेशा ध्यान दें, दृष्टि, दशा और अंश। हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, इसी प्रकार बुध की भी तीन दृष्टि है। यानी बुध अगर लगन में बैठे हैं तो इस भाव के तो रिजल्ट देंगे ही, सातवीं दृष्टि पड़ी उनके सातवें भाव पे, तो एक साथ साथ वो दो भाव को देखेंगे, जहां दृष्टि पड़ती है वहां पे और जहां वो बैठे हैं वहां पे। दशा, पहले अंश समझ लीजिए। अंश का मतलब होता है कोई ना कोई, हर ग्रह के अंश होता है 0 से 30 के बीच में। अगर ग्रह 0 से 2 यानी बालावस्था में हुआ या 29-30 मर्तवस्था में हुआ, तो ऐसे में ग्रह बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, सामान्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ना वो अच्छे फल दे पाता ना वो बुरे फल दे पाता। जो भी फल होंगे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो बुध ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में ही आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुध ग्रह अगर लगन में बैठ गए तो कैसे देंगे, तो कुंडली में मारक होके बैठेंगे क्योंकि इनको 3रा भाव और 12वां भाव मिला है। तो जातक को कैसे देंगे, तो जातक काफी बुद्धिमान तो होगा पर जातक की जो पर्सनैलिटी होगी थोड़ी कंफ्यूज और नेगेटिव अप्रोच वाली पर्सनैलिटी होगी जातक की। जातक बहुत पराक्रम करके जब थोड़े पैसे अर्जित करेगा, जातक के जिंदगी भर जब भी बुध की दशा अंतर दशा जाएगी तो जातक के पैसे बहुत खर्चे कराएगा और बहुत पराक्रम करा देगा। पराक्रम कराने के बाद तभी जातक को थोड़े बहुत फायदा हो सकता है। यहां से सातवें भाव, सातवीं दृष्टि सातवें भाव के अंदर अगर यहां पे शनि देव की कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो थोड़े पत्नी से भी मतभेद करा सकता है। दूसरे भाव के अंदर बुधदेव कैसा रिजल्ट देंगे, तो कुटुंब सुख तो मिलेगा पर पराक्रम करके जितना भी ज्यादा पैसा होगा वो अपने कुटुंब पे खर्चा करने वाले बनेंगे। तो जातक यहां पे कैसा होगा, जातक बुद्धिमान होगा, बहुत अच्छा बोलने वाला होगा पर जिंदगी के अंदर संघर्ष बहुत करेगा जातक, और मेडिकल चीजों पे भी ऐसे जातकों का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा देखा गया है। तीसरे भाव के अंदर बुधदेव यहां पे वो अपनी खुद की राशि के अंदर ऊंच के हो जाते हैं, तो जो भी ऊंच का ग्रह होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जातक बहुत पराक्रमी होगा, साहस, तेजस्वी होगा, 32 साल के बाद जातक का भाग्य होते होगा। जातक संगीत में बहुत रुचि लेगा और बहुत अच्छे गायक होगा, जातक की राइटिंग बहुत अच्छी होगी और जातक बुध की दशा अंतर दशा के अंदर जातक का भाग्य भी चमकेगा, पराक्रमी होगा और पराक्रम की वजह से जिंदगी के अंदर अपने भाग्य उदय करने वाला होगा। चौथे भाव के अंदर बुध अपनी मित्र राशि के अंदर, तो यहाँ पे वो कैसा रिजल्ट देंगे, तो पराक्रम करके 32 साल के बाद जिंदगी के अंदर मकान और वाहन सुख मिलेगा और जातक को व्यापार करेगा और अपने व्यापार के बाद 32 साल के बाद जिंदगी के अंदर मकान और वाहन इन सब चीजों की प्राप्ति जातक को होगी। छठे भाव के अंदर, माफ कीजिएगा, पांचवें भाव के अंदर, तो जातक यहां पे
अपनी शत्रु राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे। तो जातक को पहले तो अगर बच्चों में थोड़ी देरी करा देगा, जो बच्चों का जो लाभ मिलेगा, बच्चे की प्राप्ति कराने में थोड़ा लेट करा देगा, और बच्चों की से लेके हमेशा टेंशन बनी रहेगी, बच्चों की बीमारी में भी बीमारी की तरफ से जातक को थोड़ा डर लगा सता रहेगा, पढ़ाई की तरफ से जातक को थोड़ा चिंता बनी रहेगी। ऐसे में जातक अपनी अगर इष्ट देव की पूजा करते हैं तो जातक को काफी अच्छा फायदा जातक को मिलेगा, नहीं तो जातक को परिश्रम कराना पड़ेगा, और परिश्रम करके कुटुंब से भी लड़ाई झगड़े जातक के देखे गए हैं। छठे भाव के अंदर बुध देव कैसा रिजल्ट देंगे। तो देखिए, अगर लग्नेश यहाँ पे मजबूत है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बना देंगे। अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो जातक का कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा देंगे, पैतृक संपत्ति को लेके, भूमि को लेके भी जातक को परेशानी देखी जा सकती है। लंबी बीमारी जातक की ऐसी देखी गई है, पेट की तकलीफें जातक की देखी गई है। अगर लग्नेश बली है तो फिर जातक को इनिशियल स्टेज में थोड़ी परेशानी देंगे, पर बाद में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को जातक को मिल जाएंगे। सातवें भाव के अंदर बुधदेव कैसे रिजल्ट देंगे। है तो अपनी मित्र राशि के अंदर, पर यहाँ पे वो मारक है, कारक नहीं है। अगर शनि यहाँ पे पीड़ित हुए तो पत्नी से मतभेद, खटपट, हमेशा मतभाव, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों की चीजें देखी गई हैं, और पार्टनरशिप में भी दिक्कत देखी गई है। अगर आप कोई भी चीज पार्टनरशिप में करोगे तो आपको हमेशा दिक्कत ही दिक्कत मिलेगी। छठे, माफ कीजिएगा, आठवें भाव के अंदर बुधदेव अगर लग्नेश बली हुए तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जातक को। इनिशियल स्टेज में थोड़ी परेशानी करेगा और बाद में धीरे धीरे सब परेशानी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होगा। पर अगर लग्नेश यहाँ पे दिक्कत है तो जातक को लंबी बीमारी का योग देखा गया है। मंगल शनि अगर यहाँ बैठ गए तो सीधे पैर पे चोट लगाना या फिर एक्सीडेंट देखा गया है, और एक बाधा खत्म नहीं होगी, दूसरी बाधा स्टार्ट हो जाएगी। पर बुधदेव अगर केंद्र त्रिकोण में है, लग्नेश अगर मजबूत है, माफ कीजिएगा, चंद्रदेव, चंद्रदेव अगर यहाँ पे मजबूत है और केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो जातक को फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नवम भाव के अंदर बुधदेव यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, तो जातक को जब जब बुध की दशांतर दशा चलेगी, भाग्य की हानि होगी, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, मानसिक स्थिति बेकार कर देगा, पिता के साथ लड़ाई झगड़े करा देगा, पैतृक संपत्ति को लेकर जातक को काफी नुकसान देखा गया है, जातक के छोटे भाई बहन से खटपट होगा, छोटे बहन बहनों से लड़ाई करा देगा, जातक को गले की भी दिक्कत देखी गई है या सीधे हाथ में जातक की चोट लग सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बुधदेव अच्छे फल नहीं देंगे। दसवें भाव के अंदर बुधदेव अपनी शत्रु राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे। तो बिजनेस में रुकावटें पैदा कर देंगे, अप्स डाउन स्टार्ट हो जाएंगे जातक के, बट अगर यहाँ पे मंगल देव की कंडीशन अच्छी हुई तो फिर बिजनेस में फायदा करा देंगे, जातक के व्यापार में भी बढ़ोतरी करा देंगे। थोड़ा संघर्ष करने के बाद जिंदगी के अंदर बिजनेस को स्टेबल करने वाले बनेगा जातक ऐसा। ग्यारहवें भाव के अंदर बुधदेव अपनी मित्र राशि के अंदर मारक होके ग्यारहवें भाव में कैसे रिजल्ट देंगे। तो भाई बहनों से लाभ होगा, पर जातक को छोटी मोटी बीमारी हमेशा लगी रहेगी, मित्रों की सहायता मिलेगी और मित्रों से भी लाभ प्राप्त करने वाला होगा। बारहवें भाव के अंदर बुधदेव अपनी खुद की राशि के अंदर तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, पर चंद्रमा की यानी लग्नेश की अगर स्थिति अच्छी हुई तो तभी ये लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।